हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, आज मैं बनाऊंगी दाल बाटी के साथ खाए जाने वाली मिर्ची प्लस भिंडी। तो मैंने एक पाव मिर्ची ले ली है और एक ही पाव मैंने भिंडी ले ली है। अब मैंने एक कढ़ाई में आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा जो है तेल डाल दिया है। अब मैं इन दोनों को बिना कुछ डाले, जीरा या फिर प्याज डाले, मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और गाइस, ये बहुत टेस्टी लगती है, आप प्लीज़ इसे ट्राई करना और बहुत जल्दी बनती है। तो जी, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मिक्स करने के बाद मैं सिर्फ इसमें नमक ऐड करूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो अब मैंने इसको मिक्स करना है अच्छे से। मिक्स करने के बाद जो है मैं इसे ढक दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो जी, अब मैं जो है इसका मसाला तैयार कर रही हूँ। तो मैंने जो है 1 चम्मच जो है धनिया ले लिया है हरा, और लाल मिर्च जो है मैंने ले ली है अच्छे से, मतलब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1/2 चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा ली है। तो मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। अब अपनी मिर्ची चेक करेंगे, आप देखेंगे मिर्ची जो है 50% से ज़्यादा जो है पक चुकी है। इस स्टेज पर जो है अब हम अपना मसाला ऐड कर देंगे। मसाला ऐड करने के बाद इसको अच्छे से, मतलब मसाला कटोरी में रहना नहीं चाहिए, अगर रह जाता है थोड़ा सा धो के फिर आप इसको डाल दीजिए। और अब हम इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसे ढक दूंगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो जी, भिंडी चेक करी है हमने, तो देख सकते हैं हमारी जो भिंडी है वो रेडी हो चुकी है। और भिंडी जो है बहुत जल्दी बन गई थी, ये बहुत जल्दी बन जाती है आजकल। तो वैसे भी जो भिंडी है बहुत अच्छी आ रही है, और मिर्ची भी। अब इसमें मैं 1/2 रस जो है नींबू का ऐड कर दूंगी, और ये बहुत ही टेस्टी लगती है गाइस। आप भी बनाइए, अपनी फैमिली वालों को बना के खिलाइए और इन्जॉय कीजिए।